कानून कहाँ गया? कहाँ गया कंगन? कक्ष के उड़ाने से तो दो थे हमारे पास। दादा भाई? कंगन, लगता है आप ये उपहार किसी को देना भूल गए। वैसे किसके लिए है ये उपहार? हमारे लिए, और किसके लिए है ना दादा भाई? नहीं जान, हम इतना तो जानते हैं कि ये कंगन ना तो आपके लिए है और ना ही मान जीजा के लिए, क्योंकि ये कंगन तो आप दोनों की कलाइयों से बड़ा है। अरे हाँ, ये कंगन तो बड़ा है, तो फिर ये कंगन किसके लिए है? चांद, जब हम इसके एक छोटे आकार का बनवा लेंगे ना, तब देंगे आपको। पर दादा भाई, हमें तो यह कंगन अभी चाहिए। चांद, हमें बहुत भूख लग रही है। छोटी माँ, कितने दिनों से घर का भोजन भी नहीं खाया, क्या बनाए खाने में? अच्छा दादा भाई, हम देखते हैं जाकर क्या बनाए। ठीक है, मिलते हैं भोजन पर। ये चांद, हम जानते हैं कुंवर प्रताप ने बहाना बनाया है, ये सच नहीं बोल रहे अभी। पर आपको कैसे पता चला छोटी माँ? क्योंकि हम कुंवर प्रताप को जानते हैं, वे सदा सच बोलते हैं, और यदि बहाना बनाने के लिए उन्हें झूठ बोलना भी पड़ जाए ना, तो सहजता से बोल नहीं पाते हैं और भूख लगने का बहाना बनाने लगते हैं। तो हमें लगता है कि हमें उनके कक्ष में जाकर यानी तांग झांक करके पता करना चाहिए कि बात क्या है। मतलब चोरी छिपे दादा भाई के कक्ष में तांग झांक? हाँ, चलिए। जगमाल का क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ है। इसके पहले कि अपना क्रोध हम पे निकाले, हमें उनका क्रोध शांत करना होगा। पर कैसे? आपके रोग की औषधि मिल गई हमें कुंवर जगमाल। तमन सिंह जी, मांगने रानी साहब। रानी साहब, हमारे क्या हुक्म है? कुंवर प्रताप तो निकल रहे हैं सासाराम के लिए। दामन सिंह जी, आप कुंवर जगमाल के कक्ष में जाइए। कुंवर जगमाल ने एक नई योजना बनाई है और वे स्वयं आपको समझाना चाहते हैं। अच्छा, कुंवर जी समझाएंगे हमें अपनी अग्रिम योजना? हम अभी जाते हैं भीतर। कुंवर जी, हुकुम दमन सिंह, भीतर आ जाइए। खम्मा गाने हुकुम, द्वार बंद कर दीजिए। हुकुम। रजबदे के लिए है। हाँ, पर अगर दादा भाई तैयार करते हैं रजबदे भाभी सा को, तो ले क्यों नहीं आते उन्हें वापस महल में? जान, आप अभी बच्ची हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आप अभी समझ नहीं सकती। क्यों? अब कैसे बताएं चांद आपको कि आपकी रानी माँ रजबदे को यहाँ इतनी सरलता से कभी आने नहीं देंगी। क्या, क्यों, कैसे, ये सब भूल जाइए और भगवान से बस प्रार्थना कीजिए कि अजब देखे यहाँ आने में कोई अड़चन ना आए और आपके दादा भाई शीघ्र ही उन्हें यहाँ ले आए। तो भगवान के कारण ही नहीं ला पा रहे हैं दादा भाई अजब देखे भाभी साहब को यहाँ?
चलिए जान, चलिए। जान, वो देखो, वो क्या है? कुमार प्रताप ने फिर से बाजी मार ली। थमन सिंह जी, आप हमेशा हमारे पास इतने महत्वपूर्ण समाचार लेकर आते हैं कि मन प्रसन्न हो जाता है हमारा। अब ये तो हमारा कर्तव्य है हुकुम। तो फिर आंखें बंद कीजिए अपनी। परंतु अरे भाई, हम तो सिर्फ पुरस्कृत करना चाहते हैं आपको। हुकुम। धीरे धीरे बिच्छू के डंक से आपको पीड़ा होने वाली है ना धमन सिंह जी, वो एकदम से दी गई पीड़ा से कहीं अधिक कष्टकारी है। वैसे ही जैसे दादा भाई प्रताप के गौड़ कीर्ति और सम्मान से हमारी आत्मा को कष्ट होता है, हमें बिच्छू कटवाकर आपकी पीड़ा कम नहीं होने वाली। इसके लिए आपको कुमार प्रताप का सासाराम का ध्यान रोकना होगा। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा धमन सिंह जी, परंतु इस समय आपको दर्द से छटपटाता और तड़पता देख हमें इतना आनंद मिल रहा है जिसका आप अनुभव भी नहीं कर सकते। तो अब इस बिच्छू के डंक को झेलिए आप। आप चल के अपने दाजी राज के साथ भोजन कर लीजिए। उनके प्रताप प्रेम को कैसे नियंत्रित करना है ये हम जानते हैं। आप इस समय उनके संग भोजन कर लीजिए। चलिए छोटी माँ, जल्दी कीजिए ना, कोई देख लेगा। चलिए जाओ छोटी माँ, पहले हमने दादा भाई के कक्ष में जाकर उनकी निजी वस्तुओं को देखने का घोर अपराध कर लिया है, और ऊपर से इस प्रपत्र को ऐसे लेना। जान, ये कोई साधारण प्रपत्र नहीं है, ये जन्म कुंडली की मीमांसा का प्रपत्र है। इसमें अजबदे के वापस लौटने की तिथि की भविष्यवाणी लिखी है। इसमें लिखा है कि अजबदे इस सप्ताह इस महल में वापस लौट आएंगी। पर छोटी माँ, आप तो हमेशा कहती है ना कि हमें किसी की कोई भी वस्तु। हाँ जान, पर इस बार बात अलग है। क्यों चांद, क्या आप नहीं चाहते आपकी भाभी सा यहाँ पर आए? क्या आप नहीं देख पा रहे कि आपके दादा भाई उनकी कमी कितनी अनुभव करते हैं? क्या आप नहीं चाहती हैं चांद कि आपके दादा भाई चित्तौड़ के इस महल में अधिक समय व्यतीत करें और युद्धों में कम? हाँ छोटी माँ, पर अब आप क्या करेंगी? हम अकेले तो कुछ नहीं कर पाएंगे, किंतु ये प्रपत्र हम मान को दिखाएंगे, सारी बात बताएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि वे अवश्य ही कोई उपाय निकाल पाएंगी। चलिए। क्या बात है चांद, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुंवर प्रताप के कक्ष के पास क्या कर रहे थे आप दोनों? नहीं नहीं रानी माँ, दादा भाई के कक्ष में नहीं गए,
हमने कुछ नहीं देखा वहां जान। वो चीचा चांद और हम भोजनालय जा रहे थे। चांद हमें वहां की व्यवस्था देखनी है ना। आपके दादा भाई को बहुत भूख लगी है। चलिए क्या देख लिया इन लोगों ने जो इतना उछल रहे थे। सारे स्त्रियों को देने वाले उपहार कुंवर प्रताप, ये सब कुंवर प्रताप ने जबते के लिए रखा है। इतने सारे उपहार इतने वर्षों से छुपा छुपा कर रखे हैं कुंवर प्रताप। पीड़ा हुई होगी हमारे कुंवर प्रताप को इतने वर्षों में और हम समझ नहीं पाए कैसे बिताया आपने इतने वर्ष कुंवर प्रताप कैसे। किन भावनाओं में बह गई थी आप धीर भाई जी। महारानी धीर भाई हैं आप और कुंवर प्रताप आपके पुत्र नहीं, आपके असली पुत्र के प्रतिद्वंदी हैं। हम अजबते को वापस नहीं आने दे सकते, ना इस महल में ना ही कुंवर प्रताप के जीवन में। बड़े जतन करके इस महल को हमने अपनी मुट्ठी में किया। हम अपनी मेहनत पे पानी नहीं फेरेंगे। ऐसा दुस्साहस कौन है? हमें नहीं पहचाना आपने? अजबते हैं। यहाँ क्या कर रही हैं? वो सब छोड़िए। किंतु आपने पाँव कैसे रखे हमारे काश? और ये कैसा दुस्साहस? हमारे ही पति की वस्तुओं को चोरी से छू रही हैं, वो भी उनकी अनुपस्थिति में। अधिकार है हमारा, पुत्र है वह हमारे, कौन रोक सकता है हमें? बंद कीजिए ये झूठ। ये ढोंग करते करते कहीं आप सचमुच इस ढोंग में विश्वास तो नहीं करने लगी हैं? कुंवर प्रताप कभी आपके पुत्र थे ही नहीं, वे बस आपके शत्रु थे। जब से कुंवर जगमार का जन्म हुआ है, आपने कुंवर प्रताप को अपने मार्ग से हटाने के लिए षड्यंत्र रचे, कपट किया, चाले चली, छल किए। किया हमने छल, किया हमने कपट, परंतु आप यहाँ क्यों आई हैं? आप कौन होती हैं हमें पूछने वाली?
ये कक्ष हमारा और हमारे पति का है। चुपचाप हमारे इस कक्ष से निकल जाइए। मैं बाहर की महारानी है, हम कौन रोकेगा हमें? कोई नहीं रोक सकता हमें। तो फिर ठीक है, हम अभी सुरक्षा कर्मियों को यहाँ पर बुलाते हैं। जब वे धक्के मार कर आपको यहाँ से बाहर फेंकेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस महल में आप क्या है और हम क्या है। कोई है? द्वारपाल? कोई नहीं निकालेगा। द्वारपाल, आप नहीं कर सकती हमारे साथ ऐसा। द्वारपाल, नहीं अजबते, नहीं कर सकती आप हमारे साथ ऐसा। कोई नहीं लेके जा सकता हमें, कोई नहीं लेके जा सकता हमें, कोई नहीं लेके जा सकता। नहीं अजबते, नहीं कर सकती आप हमारे साथ ऐसा। ये देखिए, और लोग हमें पागल कहते हैं। कोई नहीं लेके जा सकता हमें, कोई नहीं लेके जा सकता हमें, कोई नहीं लेके जा सकता। ये क्या हो रहा रानी माँ? अभी यहीं थी कुंवर चकमा, अभी यहीं थी वो। यहाँ कोई नहीं है रानी माँ, परंतु आप इस समय यहाँ से चले जाइए, क्योंकि दादा भाई का कक्ष है, वो किसी भी क्षण यहाँ आते ही होंगे। लो कर लो बात, इनसे हम अपने भविष्य को संवारने की आस लगाए बैठे हैं। फिर से आवश्यकता से अधिक आक्रामक था। नहीं, हम जिस अभियान के लिए जा रहे हैं वहां आक्रामकता नहीं होनी चाहिए, आत्मरक्षा हेतु बचाव के लिए होनी चाहिए। उनके बस ये संदेश ना चाहिए कि हम उन्हें मारने आए। बल्कि मित्रता करने आए। अब क्या करें कुंवर प्रताप, जब हाथ में शस्त्र हो तो आक्रामकता अपने आप ही आ जाती है शरीर में। प्रताप को साधने में हमें चेतक से अधिक श्रम करना पड़ेगा। वैसे है कहां चेतक, इतना समय हो गया उसे कहीं देखा नहीं आपके आसपास। जब से बिजोलिया से लौटे हैं थोड़ा रूठा रहता है हमसे, पर हमें पूर्ण विश्वास है अभियान पर जाने से पहले वो ठीक हो जाएगा। हमें लगता है कि उसे भी हमारी तरह व्यस्त रहना पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिजोलिया से लौटने के पश्चात चेतक किसी की कमी अनुभव कर रहा हो, याद कर रहा हो किसी को? हमने कहा चलिए चेतक, चेतक हम अपने वचनों से बंधे हुए हैं, हमारी कठिनाइयां मत पड़ रही, और हम विनती करते हैं आपसे, चलिए चलिए चेतक, चलिए।